आज हमारे पास A2 मोबाइल आया हुआ है जो डेड कंडीशन में है। ना ये चार्जिंग कंज्यूम कर रहा है, ना ये सप्लाई मशीन पे रूटिंग ले रहा है, ठीक है, प्रॉपर डेड है। ना ये सिस्टम में कनेक्ट हो रहा है, मतलब फ़ोन बिल्कुल परमानेंट डेड है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो चलिए दोस्तों, पहले इसका हम MMC निकालते हैं और MMC और CPU दोनों को एक बार रिवोल्व करके देखते हैं कि क्या कंडीशन है। बोर्ड एकदम साफ़ है, बोर्ड में कहीं पर कहीं पानी वानी कुछ भी नहीं है। मैंने बोर्ड देखा, बिल्कुल साफ़ सुथरा बोर्ड है, कहीं लिक्विड डैमेज कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो पहले हम बोर्ड को एक बार स्कैन कर लेंगे। तो स्कैन करने के बाद इसकी MMC और CPU दोनों को निकाल के एक बार रिपोर्ट करते हैं। तो चलिए, क्या प्रोसेस है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये इस MMC में ग्लू बिल्कुल भी नहीं है। जब इसको निकालेंगे, प्रॉपर हीट करने के बाद ही निकालना है हमें। तो देखिए, फ्लक्स चारों तरफ फैल चुका है। और एक बार स्क्रैपर से हल्का सा डाल के देखेंगे अंदर, अगर उठ रहा है तो प्रॉपर MMC उठा देंगे। तो मैं देखो चेक कर रहा हूँ कि मेल्ट हुई है कि नहीं चारों तरफ से। तो आपको सर चेक करते रहना है और बिल्कुल प्रेशर से नहीं करना है, तो बॉल वगैरह टूट जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर। तो प्रॉपर हीट करते रहना है जब तक पूरी मेल्ट ना हो जाए अंदर की बोल। तो ये देखिए, मैं चेक कर रहा हूँ, इस तरह आपको भी चेक करते रहना है बीच बीच में। और जब लगे कि मेल्ट हो गया, तब फटाफट इसको ऊपर की तरफ उठा देना है। या चिमटी है तो उससे पकड़ के उठा सकते हो, मैं स्क्रैपर से उठा रहा हूँ। तो देखिए कैसे उठा रहा हूँ मैं। ये देखिए उठ रही है हल्की हल्की, तो उसको हीट कंटिन्यू देते रहना है। ये देखिए हमारी MMC निकल गई, एक बोल भी ट्रैक वगैरह कहीं से मिस नहीं हुआ। ये दिक्कत CPU ड्राई होने से भी आती है, या सेट गिरा होगा जब ये प्रॉब्लम आई होगी है हैंडसेट के अंदर। बाकी वोल्टेज वगैरह तो मैंने चेक कर ही लिया था, वो प्रॉपर बन रही हैं। तो अब MMC हमने निकाल दी, इसे क्लीन करते हैं। और क्लीन करने के बाद फिर एक बार सिस्टम में लगा के मैं चेक करूँगा कि पोर्ट वगैरह बना रहा है कि नहीं बना रहा। कई बार ऐसा होता है कि MMC ख़राब हो जाने के कारण भी पोर्ट वगैरह नहीं बनाता है, जब शॉर्ट होती है। तो वैसे शॉर्टिंग वोटिंग तो था नहीं कुछ, लेकिन फिर भी 1% मान सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है। चलिए कोई बात नहीं, क्लीन करते हैं और फिर चेक करते हैं सिस्टम पर। और पोर्ट वगैरह बनाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर CPU भी निकाल के रिवोल्व करेंगे।
तो हम सीपीयू वैसे निकालेंगे जैसे हमने एमएम से निकाला था। तो मैं इसको हीट कर रहा हूँ, देखिए, और जैसे मेल्ट होगी मैं हम इसे पिक कर लेंगे। प्रॉपर चारों तरफ हीट देना है, देखिए पूरा राउंड राउंड करके हीट दे रहा हूँ, देखिए। मैंने शील्ड काटा नहीं है, मैंने विदाउट शील्ड काट भी किया है। टाइम एम से फंस सीपीयू फंस गया है, तो इसको प्रॉपर हीट देते रहना है। निकल जा, फंस गई थी, ये देखिए हमारी निकल गई है। केक भी बोल ट्रैक वगैरह कहीं से टूटा नहीं है, पूरा प्रॉपर निकली है। अगर चिमटी यूज कर जाए तो चिमटी से आराम से निकल जाता है। ये फटाफट ग्लू साफ करते हैं चारों तरफ से। क्लीन करने के बाद एमएमसी और सीपी को रिबोल करके सीपी ला कर देखते हैं फिर। ये मैं रोजिन से क्लीन कर रहा हूँ, तो आप रोजिन से भी क्लीन कर सकते हैं। इससे क्या होता है, प्रॉपर शाइनिंग आ जाती है बोलों में, प्रिंट एकदम बढ़िया से क्लीन होते हैं। तो रोजिन यूज कीजिए, बड़े बहुत अच्छा चीज़ है, इससे बढ़िया सफाई से क्लीन होता है। मैं आपको क्लीन करके दिखाता हूँ, देखिए कितना अच्छा क्लीन हुआ है।
SUV के पैड पर ओरिजिन लगा दिया है और इस पर थोड़ा सा हीट करके हम प्लग्स लगा देंगे और फिर CPU को बिठाएंगे। इससे क्या होगा, प्रॉपर CPU अच्छी तरह से मेल्ट हो जाता है और प्रॉपर बॉल सोल्ड हो जाती है। तो आप इस ट्रिक को यूज कीजिएगा, एक बार में ही CPU सक्सेसफुल लग जाता है इससे।
कभी भी आप कोई सी भी ऐसे लगाओगे तो एक बार लगाने से पहले क्लीन ज़रूर कर लेना चाहिए उसको, ठीक है, ताकि कोई डस्ट वगैरह ना हो नीचे, प्रॉपर क्लीन होना चाहिए। जितनी सफाई से काम करोगे उतने सेट के ऑन होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, तो सफाई से काम करना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे हमारा MMC लग जाएगा तो हल्का सा उसको सेक कर देंगे। प्रॉपर हीट दे रहा हूँ मैं उस पर। ये देखिए अपना आप अपनी जगह पे चला जाएगा। ये हल्का सा फ्लक्स डालेंगे इसमें। जब फ्लक्स चारों तरफ से बाहर निकल जाएगा तो हल्का सा सेक कर देंगे। देखिए तो चलिए मदरबोर्ड थोड़ा ठंडा होने देते हैं और क्लीन करके फिर चेक करते हैं बोर्ड को कि हमारा फ़ोन जो डेड कंडीशन में था वो चालू होता है कि नहीं। तो हमने IC वगैरह लगा लिया है और बोर्ड को बढ़िया से क्लीन कर दिया है और जो इस पर जाली वगैरह है सब हम लगा देंगे जो हमारे पास है, और फ़ोन के ऊपर असेंबल करके देखते हैं हमारा सेट ऑन होता है कि नहीं। रुक जा बस 2 मिनट, रुक जा वीडियो बना लूँगा। मतलब कैसा आया कौन सा टेबल?
तो दोस्तों काफ़ी देर हो गया था, फ़ोन ऑन नहीं हो रहा था, लोगों पे ही अटका हुआ था। तो मैंने एक बार इसको हार्ड रीसेट किया है और ये अभी ऑन हो रहा है। तो कभी आपके पास ऐसा कोई सेट आए जिसमें आपने सारा काम कर दिया हो और वो सेट लोगों पे ही अटका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा, तो एक बार सॉफ्टवेयर या रीसेट वगैरह करके ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखना ज़रूर मिला होगा।